सारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही गब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए। मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था, मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था। देश में अराजकता बढ़े और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। बीते दिन लखीमपुर खेरी दे विच प्रदर्शन कर रहे किसानों उपर गड्डी चढ़ाई गई, जिस दे विच कई किसानों की मौत हो गई ते कई जख्मी हो गए, जिस तो बाद बड़ी गिनती दे विच यूपी दे विच किसान पहुँच गए, जिस तो बाद मृतक के परिवारों को वित्तीय सहायता भी दी गई ते एक एक नौकरी देने की भी गल कही गई, जिसके चलद हूँ उस समागम दे विच मौजूद केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा का बयान सामने आया। इस पूरी घटना को लेकर उन्होंने की कहना है, आओ तुहानू भी सुनाने। जैसे आप सबको जानकारी है, हमारे पैतृक गांव में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता था और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज केशव प्रसाद मौर्य जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और मैं लखीमपुर से उनके साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। पहले से ये जानकारी थी कि कुछ किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने का प्रयास है, लेकिन ये था कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं सामान्य होती हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको कहा कि ठीक है, उनका कार्य है उसको करें। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचने वाले हुए तो उसी दौरान प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया, हम लोग दूसरी तरफ जाने लगे, जिससे हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरी गाड़ी मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियाँ थी उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे, तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी थे, उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही गब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं या मेरा बेटा, क्योंकि मैं तो उस स्थल पर कभी 15 दिन से भी नहीं गया हूँगा, जब मैं पहली बार आया था तो रोड से पहले निकला हूँ और क्या मेरे बेटे का प्रश्न है। हम लोग अपना जो कार्यक्रम ये करते हैं उसमें हजारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी होती है और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई सावधित था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएँ की हैं तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको पीट की। तुहानू दस दी कि 3 खेती कानूनों नू लेके किसान लगातार बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो इसके चलद हूँ लखीमपुर खेड़ी दे विच पहुंचे सन, जिस तो बाद किसानों के नाल बड़ा हादसा होया ते हुण मृतक परिवारों नू वित्तीय सहायता ते नौकरी देने का ऐलान भी किया गया ते जख्मियों की भी वित्तीय सहायता की जाएगी। पर हुण देखना यह होगा कि इस पूरी घटना की जाँच दे विच की निकल के सामने आंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी पूरे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सिद्धी गलबात ते जानो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ए प्रोग्राम जरूर देखन ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बनन। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान,
ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ।